टीआरटीसी अते पनबस कच्चे मुलाजमां दे वल्लों अपनियां हक्की मंगां नूं लै के रोस प्रदर्शन लगातार कीता जा रहा है। लंबे समय तो उन्हां दा संघर्ष चल रहा है, पर उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिस दे मद्देनजर उन्हां दे वल्लों धरना लगाया गया ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों भी उन्हां दा समर्थन किया गया। जिक्रयोग है कि गलबात दौरान डिपू प्रधान निरपाल सिंह ने दस्सिया कि यह संघर्ष साडा लगातार जारी रहेगा जदों तक सरकार साडियां मंगां नहीं मान लैंदी। हाँ जी, की नाम है जी थोड़ा? अज जिवें तुहाडे वल्लों इन्हां नूं पीआरटीसी वर्करां नूं समर्थन दिता गया है, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? अज समुचियां पार्टियां दी गल्ल जिहड़ियां चोणां लड़न वास्ते जा रहियां, संदेश साडी सरकार इन्हां सारिआं दा लोक मसलिआं वल कोई ध्यान नहीं, ते जिहड़ी इन्हां दी लड़ाई है कुक्कड़ कोई भी आपो विच इहने आ कहता मैनूं आ कहता ये चोर है ये फलाना है ये ठक्का है ये चौधरी है, इन्हां गल्लां पिछे वह जाण बुझ के साडे जिहड़े लोक मसले है जिवें अज पीआरटीसी है ये साडे धीआं पुत्तां दा मसला है कि जे इन्हां नूं रैगूलर नहीं किया जाता। मैं पुछदा भी चन्नी साहब तुसीं कहिंदे भी क्लास फोर नूं तुसीं रैगूलर भर्ती कराया करांगे, आह तुहाडे घर सामने क्लास थ्री के कर्मचारी खड़े है, फिर इन्हों भी रेगूलर कर दो, इन्होंने कहते तो लागे नुकसान किया है जहाँ बाकी अध्यापक रोज़ पुट खाते हैं साढ़िया धियां दियां रोज़ तुम चुनिया रोल दे हो इन्हों रोज़ खुआर कर रहे हो, अज इन्हों की मजबूरी बनी है इतने हड़ताल की। जितों तक साड़ी संयुक्त मोर्चे की यह समझ है कि इन सारिया ने साडे धियां पुत्रां ने मदद की है, असी पूरे देश के दुनिया में एक वड्डी जित प्राप्त की है, तो असी वो साड़ी जित तो तिने खेती कानून जोड़े काले कानून से जो कहते बहुत वधिया ने अंदर असी माफ रद्द करवाए, तो इतों देख के इन्हों धियां पुत्रों भी लगता है कि जिवें इन्हों ने पूरा एक साल जान हुई लड़ाई लड़के आपदी मंगा मनवाई है, असं आपदी मंगा क्यों नहीं मनवा सकते, तो मनाने भी चाहिए है। इन्ना साथ साडा पूरे देश के पंजाब के संसार के लोगों ने दिता, अभी उन्ना ही साथ देवे अजे तो 7 बजे इतने आए हैं जिन्ना चाहिए। हाँ जी, की नाम है जी थोड़ा? मेरा नाम नरपाल सिंह है जी। पीआरटीसी जिवें लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हो, की तुहाडियां मंगां ते कित्थे तुहाडा संघर्ष अज खड़ा है? लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं जी, जिहड़ियां साडियां मंगां ने सानू रेगूलर करन दी है जी, सरकार नाल साडियां जिहड़ियां मीटिंगां होंदियां ने वो मीटिंगां बेसिक कर रहिंदियां ने, जिहड़ी मीटिंग करदे आ किसी ना किसी मीटिंग सानू लारा लाया जांदा, किते ना किते जाके सानू इह संघर्ष करन लई मजबूर कर दिया सरकार। ते जिहड़ा हुण हैगा तुहाडा अगली रणनीति जिहड़ी हैगी है, की संघर्षी नीति आ तुहाडी वी, की अडोप्ट कर रहे हो? जिहड़ी साडी अगली रणनीति है जी, सानू जे सरकार इस तरह लारे लप्पे लाइदियां रही जो सा संघर्ष है वो इतू भी होर तिखा होंगे रहेगा, जी सा हड़ताल है अणमिथे समय लिए जा चुकी है जी। जी अज तुम इतने बस स्टैंड रोस प्रदर्शन कर रहे हो, अज हड़ताल शुरू की है, ये हड़ताल कदों तक जारी रहेगी, तो की ये हड़ताल उदों तक जारी रहेगी जिन्ना चर सरकार सानू रेगूलर होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तो असं यह संघर्ष उन्नी उन्ना होर भी तेज हों जाऊगा जी जिन्ना चर सरकार सा कोई फैसला नहीं दी सा हक कि ये सारे पंजाब लैवल से ही हड़ताल चल रही अज के ये सारे पंजाब लैवल से चल रहे हैं साढ़े 27 के 27 डिपू पंजाब पनबस पीआरटीसी यूनियन ये सारे पंजाब के ही जोड़ा रोस प्रदर्शन हो रहा जी, तो अणमिथे समय की हड़ताल चल रही है। हाँ जी भाई जी, की नाम है थोड़ा? मेरा बूटा नाम सिंह बूटा सिंह जी, नाम पीआरटीसी बना की अज जो धरना लगे इतने की तुहाडियां मंगां ते की तुहाडा जिहड़ा हैगा कदों तक धरना चलेगा? साडा जी पिछले लंबे समय तो सरकारां दा साडा चल रहा संघर्ष, साडियां मंगां मेन मंग साडी पक्के होना जी, उस तो बाद बराबर काम बराबर तनखा ते महकमे दे विच 10,000 रुपए ते असी किसान मुलाजम मजदूरां दे पोता जी सारे साडे नाल किसान भी है ते मुलाजम जिन्ने आ मजदूर साडे नाल साडे नाल अज संघर्ष दे विच खड़े आ। पढ़ाई च दिल लगदा सी, नंबर चंगे आउंदे सी, एससी खोटी दी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलती सी, बापू मजदूरी करदा, बेबे नूं मसें घरां च कम मिलदा, पर मैं खुश सी, 10वीं च साइकिल मिलूगी ते पोस्ट मैट्रिक एससी वजीफा भी, लंबड़दारा दी राणो वांग इंजीनियर बनांगी।
पर सुपने सुपने ही रह गए। स्कॉलरशिप बंद हो गई, स्कूल छुट गया, साइकिल मिली कोई ना ते फीस है नी। हुण मां नाल घरां च काम करन जानी आ, आ दिता मैनू इस सरकार ने, हुण नहीं। मैं कह दिता बापू बेबे नू ऐतकी सबक सिखाउणा है, वोट पाउणी उहनां नू जिहड़े समझण साडे दर्दां नू।